हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में। आज का 10 डेली यूजेज इंग्लिश वर्ड। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कभी तेरे को इतना चिंतित नहीं देखा, तू हमेशा खुश रहने वाला बंदा है, क्या हुआ? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, आई हैव नेवर सीन यू दिस वर्ल्ड, यू आर ऑलवेज ए हैप्पी गाय, व्हाट हैपेंड? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भास्कर मैं काम से परेशान हो रहा हूँ यार, मैं कंपनी में इतनी पॉलिटिक्स नहीं सह सकता। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, भास्कर I am getting sick of work, mate. I can't tolerate this much of politics in the company. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अतुल क्या तेरे को अपना रिव्यू या कुछ और मिला है? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, अतुल Did you just get your review or something? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भास्कर हाँ लेकिन मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, मुझे पता चला कि एक और लड़के को प्रमोशन मिला है, वह कुछ भी करना नहीं जानता, वह सारा दिन वही बैठा रहता है और जरा सा भी काम नहीं करता। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, भास्कर या But that's not why I am upset. I just found out that another guy got promotion. He does not know how to do anything. He sits there all day just like that. Not even does the bare minimum. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अतुल ये तो बहुत बुरा है, मैं तेरी हताशा को समझता हूँ, उन्हें पहले ही ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहिए था। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, अतुल दैट्स नॉनसेंस, आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, दे शुड नॉट हैव हायर्ड सच ए गाय इन द फर्स्ट प्लेस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अतुल खैर छोड़ो यार, ये होता रहता है जॉब में। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, अतुल लीव इट ब्रो, दिस इज जस्ट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भास्कर मुझे हैरानी है कि ऐसा कैसे हुआ, मेरा मतलब है उसने नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू तो दी होगी ना। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, भास्कर आई वंडर हाउ डेट हैपन, आई मीन ही मस्ट हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू टू गेट द जॉब राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अतुल शायद वो किसी व्यक्तिगत सिफारिशों पर काम पर रखा गया हो, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी पर एहसान वापस करने के लिए ऐसा करते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सही है लेकिन ये होता है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है, अतुल मे बी ही वॉज हायर्ड ऑन समवन्स पर्सनल रिकमेंडेशन, सम पीपल डू दिस फॉर देयर रिलेटिव्स और फॉर समवन टू रिटर्न ए फेवर, आई एम नथिंग सेइंग दैट इट्स राइट बट इट डज हैपन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भास्कर मैंने इस पहलू के बारे में कभी नहीं सोचा, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने कभी उस लड़के से उसके इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया के बारे में नहीं पूछा। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर, भास्कर आई नेवर थॉट अबाउट दिस एस्पेक्ट, नाउ डेट आई थिंक अबाउट इट आई नेवर आस्क द गाइज अबाउट हिज इंटरव्यू और द सेलेक्शन प्रोसेस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन,
अतुल, बिल्कुल। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है अतुल, एग्जैक्टली। तो ये थे आज के हमारे 10 डेली यूजेस इंग्लिश वर्ड। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता है। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।